हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब। वेल, एक बार फिर से स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स रिजल्ट ग्रुप पे। दोस्तों, इंग्लिश जागरण में फिर से आपका स्वागत है। बज गए हैं सुबह सुबह के 3। ये वो वक्त है जब महात्मा परमात्मा संत महादेव सब जने उठते हैं और सुबह सुबह पूजा पाठ की तैयारी में लग जाते हैं। तो जल्दी से आ जाइए, इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उन सभी के आशीर्वाद से हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। इनकी शुरुआत करेंगे इंग्लिश के साथ और इस सेशन में आपको आएगा मजा, ये मेरा है आप लोगों से वादा। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आज हमको एंटोनियम्स, बोले तो वोकैबुलरी का वो वाला पार्ट करना है जिसमें हम ऑपोजिट वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने सिनोनियम्स को डिस्कस किया था, आज की क्लास में हम बहुत सारे एंटोनियम्स को डिस्कस करेंगे कि किसी भी वर्ड का एंटोनियम क्या होता है। तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट करेगा आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो जल्दी से आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। हेलो संजय सिंह जी, ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप। चलिए भाई संजय जी, जल्दी से एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास में आ जाएं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो सुबह सुबह 3 बजे का या तो अलार्म लगाकर सोते हैं या तो फिर वो रात में सोते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको इंतज़ार होता है सुबह वाली 3 बजे वाली मेरी क्लास का। तो चलिए जल्दी से हम इस सेशन को बिगिन करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में हम करने के वाले हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। आज के सेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोगों को एंटोनियम्स, बोले तो ऑपोजिट वर्ड्स को डिस्कस करना है, है ना। एंटोनियम्स क्या होते हैं? ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। तो हमको यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड्स को डिस्कस करना है कि ऑपोजिट्स क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं। दोस्तों, अभी जैसे आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि हमने CGL का एनालिसिस भी कराया था, CHSL MTS का भी एनालिसिस कराया था, और आप देख रहे हैं कि कोई भी अगर SSC का एग्ज़ाम होता है। हेलो नज़मा जी, कैसे हैं आप, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नज़मा जी। आज आप रात वाली क्लास में नहीं थे, आजकल मेरी जो इंग्लिश की क्लास है वो रात में 11 बजे होने लगी है, ठीक है, तो 11 बजे क्लास में रहिएगा जरूर। हाँ जी, अब देखिए, कभी भी अगर आप देखेंगे किसी भी एग्जाम में, तो इसका जो वेटेज रहता है लगभग सिनोनियम्स और एंटोनियम्स का, तो आप देख सकते हैं कि आपको 2 या 3 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन का करीब सिनोनियम से और 2 क्वेश्चन एंटोनियम से पता मिल ही जाते हैं। और अगर आप किसी मेंस के एग्जाम की बात करें तो फिर 10-15 क्या ही कहने, तो आपको सिनोनियम एंटोनियम्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन से जो मिल जाते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर भी रहने वाला है कि यहाँ पर एंटोनियम्स के हम काफ़ी सारे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और ये सारे वही होंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहे होंगे और प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं SSC के एग्जाम में। हेलो संदीप जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस में आपको मजा आएगा। खैर, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन विद द सेशन नाउ। और फर्स्ट वर्ड आ जाता है हमारे पास नॉवल। तो नॉवल का आपको क्या बताना है, नॉवल का आपको एंटोनियम बताना है। एंटोनियम बोले तो ऑपोजिट वर्ड। तो जल्दी से मुझे बताइए, संदीप जी, नज़मा जी, संजॉय जी, जल्दी से मुझे बताइए कि नॉवल का एंटोनियम क्या होगा। अब ये नॉवल वो नहीं है जो नॉवल आप पढ़ते हैं। नॉवल का बेसिकली मीनिंग होता है दैट इज़ समथिंग न्यू, जो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नई हो, दैट इज़ कॉल्ड नॉवल। तो आप इसका एंटोनियम बताइए कि इसका एंटोनियम क्या होगा, है ना। नॉवल भी जो वर्ड डिराइव किया गया बेसिकली न्यू वर्ड से रिलेटेड है वो, जहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। तो नॉवल का मीनिंग होता है समथिंग विच इज़ न्यू, है ना, तो उसका एंटोनियम आपको बताना है। वेरी गुड संदीप जी, बिल्कुल ठीक आपका आंसर है, बैनल। तो बैनल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैनल का मतलब होता है जो चीज़ ओल्ड हो या जो चीज़ ओरिजिनल हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है आपकी बैनल। तो बैनल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बैनल आपका नॉवल का करेक्ट एंटोनियम हो जाएगा। तो सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर बाकी वर्ड्स की बात करें तो नॉटी नथिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नॉवलिस्ट वो व्यक्ति होता है जो नॉवल्स को लिखा करता है। नॉवल बेसिकली वो भी होते हैं जो आप लोग रीड किया करते हैं। हेलो विकास जी, हेलो आफ्ताब जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आफ्ताब जी कह रहे हैं कि ये उनका पहला डे है हमारी क्लास में। ओके ओके, दैट्स वेलकम, वेलकम टू आवर क्लास, आप लोगों का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो अनु कुमार जी, कैसे हैं आप, अनु कुमारी जी, ओके, इट इज़ अनु कुमारी जी, ओके। तो भाई क्लास में सभी लोगों का स्वागत है, सब जने क्लास में आ जाइए। और यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको इन वर्ड्स को डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।
ठीक है, और सारे वर्ड्स के जो एंटोनियम हैं उनको आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। हाँ जी, तो हम वर्ड की बात कर रहे थे नॉवल। नॉवल का मतलब होता है न्यू, और इसका जो एंटोनियम हो जाता है दैट इज़ बैनल, है ना। अब नॉटी मतलब नथिंग, नॉवलिस्ट पर्सन हु राइट्स नॉवल्स, और नेस्टी का मीनिंग होता है जो बहुत ज़्यादा बुरा हो, अनप्लीजेंट हो, वेरी बैड और अनप्लीजेंट, दैट इज़ कॉल्ड नेस्टी। ठीक है, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग अमन सिंह जी, कैसे हैं आप भी? एक बार क्लास को सभी स्टूडेंट जल्दी से शेयर कर दीजिए, और भी ज़्यादा मज़ा आएगा फिर आप लोगों को क्लास में। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। वर्ड है हारमोनियस, और ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, हारमनी। हारमनी क्या होता है? पीस, एग्रीमेंट, जब किसी चीज़ से कोई एक एग्रीमेंट हो, है ना, जब हर जगह पीस हो, शांति हो, है ना। और पीस कब होती है? जब सब जने एक दूसरे की बातों को माने, एग्री करें, एक दूसरे की बात से सहमत हो, तब उस एग्रीमेंट को शो किया जाता है। हेलो ज्योति सिंह जी, कैसे हैं आप? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से मुझे बताइए कि हारमोनियस का एंटोनियम, यहाँ पर आपको बताने क्या है, एंटोनियम्स बताने हैं, मतलब ऑपोजिट वर्ड। तो जल्दी से मुझे बताइए कि हारमोनियस का एंटोनियम क्या होगा। विकास जी, ज्योति जी, अमन जी, अनु कुमारी जी, आफ्ताब जी, नजमा जी, संदीप जी, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए। वेरी गुड विकास जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नजमा जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डिस्कॉर्डेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो, एक एग्रीमेंट होना और उसमें डिस्कॉर्ड हो जाना, मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, तो डिस्कॉर्डेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रही बात बाकी सारे वर्ड्स में, अगर हम देखते हैं जैसे सोनोरस है, कॉन्कॉर्डेंट है, तो वो इसका यस। ज्योति सिंह जी, नॉट ओके, क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? ज्योति जी, क्यों आप ओके नहीं हैं? हाँ जी ज्योति जी, क्या हो गया भाई, क्यों ओके नहीं हैं आप? यस, अगर हम कॉन्कॉर्डेंट देखें तो वो इसका सिनोनियम हो सकता है, बैलेंस्ड भी, सोनोरस भी एक साउंड से रिलेटेड है, है ना। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड का आंसर किसके पास है। नेक्स्ट वर्ड है, अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं एक बार। ओके, क्यों भाई ज्योति जी, ऐसा क्यों है? नाउ एक्सेलरेट, अब एक्सेलरेट का आपको क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। आपने कभी वो देखा, भाभी जी घर पे है, है ना, तो उसमें कई बार आपने देखा होगा कि जब जो उसमें एक कैरेक्टर है अंगूरी, और वो बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ हंसने लगती थी, तो जो तिवारी जी हैं वो एकदम बोलते हैं कि भाई चल गया इसका एक्सेलरेटर, है ना। तो एक्सेलरेटर, अब एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चलने लगे, मतलब क्विकन हो, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चलने लगे, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेट, है ना। एक्सेलरेटर आपने देखा होगा कि आपके व्हीकल्स में भी होता है, तो आपको बताना है कि इसका एंटोनियम क्या होगा। अब एक्सेलरेट का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा आगे तेज़ तेज़ होना। अब ये चीज़ होती है कि जल्दी जल्दी कोई चीज़ होना, और जिस चीज़ में देरी हो तो वो हो जाता है हमारा डिले, तो डिले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना एक थोड़ा सा अलग पॉइंट है जो बनता है, वो क्या है, कभी कभी एग्जामिनर जो ऑप्शंस हमको देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा क्लोज वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं देखूं तो एक्सेलरेट जो एंटोनियम है वो डिले भी हो सकता है, वो डिमिनिश भी हो सकता है, मतलब डिमिनिश भी कहीं ना कहीं इसका एंटोनियम हो सकता है। लेकिन डिमिनिश एक सेकेंडरी एंटोनियम है, जो सबसे पहले वर्ड हमारे माइंड में आता है एक्सेलरेट का एंटोनियम, वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। एक्सेलरेट को बहुत जल्दी जल्दी करना, और यस, है ना। और अगर हम बात करते हैं डिमिनिश की, तो डिमिनिश होता है किसी चीज़ को कम करना। अब एक्सेलरेट मतलब जल्दी जल्दी करना, तो उसके लिए जो होगा डिले, देरी से, मतलब वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऑन द सेकेंड हैंड देखें तो डिक्रीज है, डिमिनिश है, तो वो भी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मतलब अगर हमें, सपोज कीजिए यहाँ पर ये डिले वर्ड गिवन ना होता, तो हम इसका आंसर डिमिनिश भी मार्क कर सकते थे। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू अगैन एंड अगैन। इस बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर हमको वो ऑप्शंस देता है जो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, और कहीं वहीं वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा। तो आपको सबसे पहले उस वर्ड को अप्रोच करना है जो सबसे ज़्यादा एग्जैक्ट मीनिंग को शो कर रहा हो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नाउ बोल्ड, अब बोल्ड आपको सीधे सीधे क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। अब बोल्ड का मतलब व्यक्ति बिल्कुल बोल्ड हो, मतलब ऑडेशियस हो, जो बिल्कुल कुछ भी बोल दे, बिंदास हो। अब इसका एंटोनियम हम अच्छे से जानते हैं कि इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, टिमिड हो जाएगा।
है ना, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, टिमिड, जो बहुत ज्यादा वीक हो और थोड़ा सा शाई का टाइप का हो, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड हम बाकी वर्ड्स को देखें, चाहे वो नर्वस है, चाहे वो कॉय है, चाहे वो फियरफुल है, तो ये तीनों भी एक तरह से इसके एंटोनियम्स हो सकते हैं, है ना। ये तीनों भी इसके क्या हैं, सिमिलर एंटोनियम्स हैं, ये इसके क्या हैं, सिमिलर एंटोनियम्स हैं। लेकिन जो डायरेक्ट एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका टिमिड। तो टिमिड अगर एक वर्ड आ गया तो वो डायरेक्ट एंटोनियम है, लेकिन बाकी सारे वर्ड्स भी इसके एंटोनियम हो सकते हैं। यस, पेल है, टिमिड है, यस, क्लियर हो जाती है बात। तो कई बार ऐसा होता है, इट हैपेंस, कि वर्ड जो होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, वहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो आपको एग्जैक्ट वर्ड देखना होता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्लियर हो जाती है बात। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, और ऐसे में एक और आप काम कर सकते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन हो तो उसको आप मार्क कर सकते हैं, मतलब जो सबसे पहले जो आंसर का ऑप्शन गिवन हो। नाउ ट्रेटर, ट्रेटर इज बेसिकली आप चीटर से रिलेट कर सकते हैं, है ना, जो देशद्रोही जिसको बोलते हैं, दैट इज ट्रेटर। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है। अब जैसे वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया, उसके अकॉर्डिंग आप इसका एंटोनियम बहुत इजीली बता सकते हैं कि क्या होगा। ये तो ज्योति जी, संदीप जी, नजमा जी, विकास जी, सोनजॉय जी, अनु कुमारी जी, अमन जी, चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको ट्रेटर का एंटोनियम बताना है भाई। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दो सभी स्टूडेंट्स, ताकि और भी स्टूडेंट्स आ जाएं। क्या बात है, सबसे पहले विकास जी का आंसर बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। पेट्रियॉट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, पेट्रियॉट एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस आफ्ताब जी, सी, पेट्रियॉट एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रेटर मतलब जो देशद्रोही हो और जो देशभक्त हो, दैट इज पेट्रियॉट। ऑफिसर, मेंबर, माइग्रेंट, नहीं, ये वर्ड्स इसके एंटोनियम्स नहीं होंगे। जो एंटोनियम होगा वो क्या हो जाएगा, पेट्रियॉट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हमारे पास एक वर्ड है इमैक्युलेट। तो जैसे आपने कहावत सुनी होगी ना, नो वन इज़ परफेक्ट, है ना, तो आप इसे बोल सकते हैं नो वन इज़ इमैक्युलेट, इनफैक्ट एवरी वन इज़ एलिजिबल फॉर इट, है ना, बट एवरी वन इज़ एलिजिबल फॉर इट। कोई भी परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन हर कोई उसके लिए एलिजिबल ज़रूर होता है। तो इमैक्युलेट का आप लोगों को क्या बताना है, एंटोनियम्स बताने हैं। वैसे तो लिखी हुई लाइन यही है, नो वन इज़ परफेक्ट, बट इसके आगे मैं हमेशा जोड़ती हूँ, जो आपको भी याद रखना चाहिए, दैट एवरी वन इज़ एलिजिबल फॉर इट, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बताइए इसी बात पे कि इसका आंसर क्या होगा, इमैक्युलेट का ऑपोजिट बोले तो एंटोनियम क्या होगा। ओके देखो, इमैक्युलेट बेसिकली जो चीज़ परफेक्ट हो, जो बिल्कुल क्लीन हो, है ना, जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, जैसे किसी की हैंडराइटिंग हो वो कैसी होती है, नीट एंड क्लीन होती है, है ना, जो परफेक्ट होती है, ठीक है। तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी डिफाइल्ड, क्योंकि डिफाइल्ड होता है जो चीज़ परफेक्ट ना हो, जो चीज़ बिल्कुल भी प्रॉपर ना हो, जो चीज़ बिल्कुल डर्टी हो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो डी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, परपेचुअल नहीं होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, परपेचुअल। गुड मॉर्निंग अमन बाहुबली जी। परपेचुअल का मतलब होता है जो चीज़ बहुत लंबे समय तक चले, विच इज विच गोज ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ परपेचुअल, है ना, जो कंटिन्यूस रहे बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। एजाइल, जो फुर्तीला हो, फ्लैक्सिबल हो। प्रैक्टिस, व्हेन यू डू प्रैक्टिस, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा अभ्यास करते हैं किसी चीज़ का, दैट इज़ कॉल्ड प्रैक्टिस, है ना। येस yes, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डिफाइल्ड, दैट इज़ अनक्लीन, इम्प्रॉपर। नाउ स्टार्टल्ड, अब स्टार्टल्ड वर्ड आपने कई बार सुना होगा, स्टार्टल्ड का मीनिंग होता है शॉक्ड, जब आप किसी चीज़ को देखकर दंग रह जाते हैं, भौचक्के रह जाते हैं, है ना, अटेंटिव रह जाते हैं, बिल्कुल अटेंशन में आ जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टार्टल्ड, है ना। तो स्टार्टल्ड है, पजल्ड है, कन्फ्यूज है, ये बहुत सारे हैं जो इसके सिनोनियम्स है, अलार्म्ड है, शॉक्ड है, सरप्राइज है, तो ये सब एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। अब आपको पता नहीं कि स्टार्टल्ड का एंटोनियम क्या हो, संदीप जी, ज्योति जी, विकास जी, अमन जी, नजमा जी, आफ्ताब जी, अमन जी, सारे स्टूडेंट जल्दी से मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ भाई सभी स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताएंगे कि इसका एंटोनियम क्या होना चाहिए, स्टार्टल्ड का एंटोनियम क्या होना चाहिए।
यस वेरी गुड संदीप जी, वेवरिंगली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो वेवरिंगली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा. डाउनफॉल, जब किसी का एक डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए. डिपिक्ट व्हेन यू रिवील समथिंग. और विजनरी, जैसे भगवान राम थे तो वो श्री राम क्या थे, विजनरी थे, मतलब आगे तक का सोचने वाले, है ना. तो वो उनको पता था आगे तक क्या होने वाला है, तो दैट इज़ विजनरी, है ना. तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ वेवरिंगली. तो वेवरिंगली जैसे फिकल माइंडेड है, मतलब जो एक जगह पर टिका हुआ नहीं है, जिसका माइंड इधर से उधर एकदम चल रहा है. स्टार्टर जो एकदम शॉक्ड है और वो दंग रह गया, बहुत चक्का रह गया. जबकि वेवरिंगली कहीं एक तरफ अटेंटिव नहीं है. तो यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर हो जाती है बात. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं क्या है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, अब आपके पास एक वर्ड आता है कॉन्सीटेड. तो कंसीटेड एक वर्ड है. तो कंसीटेड का आपको क्या बताना है, एंटोनियम बताना है. ओवरलुक, पोलाइट, डिक्टेटर, मोडेस्ट. बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. तो जल्दी से बताइए कि कंसीटेड का एंटोनियम क्या होगा. ओके कंसीटेड. कंसीटेड जैसे आप याद कर सकते हैं रावण हुआ करते थे. रावण क्या था, बहुत ज़्यादा अहंकारी था, मतलब जो सिर्फ अपना अपना गाना, बहुत ज़्यादा अहंकारी होना, तो दैट इज़ कंसीटेड. तो कंसीटेड. और उसी के ऑपोजिट में आप देख सकते हैं राम, जो कौन थे, बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट थे. मतलब कभी अपना गुणगान ना करना, खुद से कभी अपनी तारीफ ना करना, तो वो कौन है, मॉडेस्ट हैं. तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. डिक्टेटर खुद इसका सिनोनियम हो सकता है. पोलाइट, बहुत ज़्यादा पोलाइट मैनर में बात करने वाला, मतलब जो बिल्कुल भी रूड ना हो. अब यहाँ पर अगर आप देखें, कंसीटेड जो व्यक्ति अहंकारी हो और मॉडेस्ट, है ना, जो बिल्कुल भी अपने शब्दों को बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखे, अपने मुंह से अपनी तारीफ कभी ना करे, दैट इज़ कॉल्ड मॉडेस्ट, है ना. चलिए तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, मॉर्बिड. तो मॉर्बिड का एंटोनियम आपको बताना है कि क्या होगा. चलिए जल्दी से बताइए मॉर्बिड का एंटोनियम क्या होगा. सारे स्टूडेंट बताएंगे. देखो मॉर्बिड अगर आप देखें तो थोड़ा सा, अगर आप देखें मोर्चरी वगैरह के टाइप के चले जाए, मतलब डेथ से रिलेटेड है. मतलब कहीं ना कहीं जब हेल्थ बिल्कुल ही फिटल उसमें पहुंच जाए, मतलब हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, जब कोई चीज़ ऐसी हो जो बहुत ज़्यादा हेल्थ को आपको आपको बेकार कर दे, दैट इज़ कॉल्ड मॉर्बिड, है ना. जैसे हम बोलते हैं ना, आजकल का जो फूड है वो बहुत ज़्यादा मॉर्बिड होता जा रहा है. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मॉर्बिड का, यस, इसका सिनोनियम, सॉरी एंटोनियम क्या हो जाएगा, हेल्दी. वेरी गुड. तो हेल्दी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. पॉफिट आपने शेयर्स में सुना होगा, जब किसी एक शेयर के पार्ट को जब रोक लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉफिट, है ना. ऐसी एक वर्ड होता है आपका इम्प्यूडेंट. इम्प्यूडेंट भी हो जाता है वेरी रूड, है ना. जब कोई चीज़ रूड हो, जब कोई व्यक्ति डिपोर्ट, मतलब जब आप किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाएं, है ना, तो वो हो जाता है डिपोर्ट. बेसिकली जब आप उसके लायक नहीं, तो उसको आपको निकाल दिया जाए या आप चले जाएं, दैट इज़ कॉल्ड डिपोर्ट, है ना. नाउ थ्रोंग. अब थ्रोंग का एंटोनियम क्या होता है. थ्रोंग बेसिकली बहुत सारे जने एक जगह पर इकट्ठे हों, जिसको आप क्राउड बोलते हैं, है ना. जैसे क्राउड ऑफ पीपल है, तो दैट इज थ्रोंग, है ना. तो आपको थ्रोंग का क्या बताना है, एंटोनियम बताना है. तो जल्दी से बताइए कि थ्रोंग का एंटोनियम क्या होगा. अभी क्लास में से जाना नहीं है किसी को, क्लास में आंसर्स देने हैं, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है. तो अमन जी, नजमा जी, ज्योति जी, विकास जी, संदीप जी, अनु कुमारी जी, आफ्ताब जी, अल्ताफ जी, जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट्स की इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. अमन जी, यस, ज्योति, संदीप, सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. यस, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका डिस्पर्शन. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, डिस्पर्शन. तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, यस, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. विकास जी, नजमा जी, अमन जी, ज्योति जी, संदीप जी, यस, बिल्कुल ठीक संदीप जी,
यस और अगर हम बाकी सारे शब्दों की बात करें तो रिवेंजफुल मतलब जब आपके मन में बिल्कुल किसी बदला लेने की लगी हो, आग हो, रिस्पेक्ट तो आप जानते ही हैं सब, ठीक है। और ब्रेजन का मतलब होता है जब कोई मतलब जब बिल्कुल विदाउट एम्बेरसमेंट, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेजन। नाउ हेलो गुड्डू कुमार जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? नाउ ब्यूटी, ब्यूटी तो भैया कौन नहीं जानता, और ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ब्यूटी, ब्यूटी बेसिकली एक नाउन है मतलब सुंदरता, तो आपको बताना है कि ब्यूटी का एंटोनियम क्या होगा। और आई थिंक कि इससे ज़्यादा सिंपल कोई नहीं हो सकता एंटोनियम्स में जो आपके सामने ऑप्शन गिवन है, तो मुझे जल्दी से बताइए कि ब्यूटी का एंटोनियम क्या हो जाएगा। अब देखो एक वर्ड बनता है ब्यूटी से, ब्यूटिफुल, है ना, एक वर्ड क्या बनता है, ब्यूटिफुल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत ही फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ, ब्यूटी एक नाउन है ना, ब्यूटी क्या है, एक नाउन है। और हम अगलीनेस, अगलीनेस की बात करें तो वो भी क्या है, एक नाउन है। और ऑब्वियसली ब्यूटी का जो ऑपोजिट है वो क्या हो जाएगा, अगलीनेस हो जाएगा। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड हैंड पे एक वर्ड होता है ब्यूटिफुल, जो कि एक एडजेक्टिव होता है, मतलब अगर मैं इसका एंटोनियम आपसे पूछती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, अगली। और ये अगली भी क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब अगर आप देखें तो ब्यूटी का ऑपोजिट क्या हो रहा है, अगलीनेस, और ब्यूटीफुल का ऑपोजिट देखें तो वो हो जाता है अगली। तो दिस इज द डिफरेंस कि ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं जबकि ये दोनों नाउन है, ठीक है। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात बाहुबली जी, कोई डाउट इसमें? हाँ जी बताइए, संदीप जी, अमन जी, विकास जी, बाहुबली जी, नजमा जी, ज्योति जी, आनु कुमारी जी, अल्ताफ जी, आफ्ताब जी, जल्दी से मुझे बताइए, एनी डाउट टू एनी वन? यस बिल्कुल ठीक, हैंड्स अगलीनेस, जल्दी से बताइए इसमें किसी को कोई डाउट? चलिए तो आ जाते हैं अब नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं कि क्या है और उसका आंसर क्या होगा। नाउ ट्रैम्बल, अब ट्रैम्बल दे रखा है, ट्रैम्बल आपने कई बार सुना होगा, ट्रैम्बल का जो एंटोनियम है वो क्या होगा, बताओ भाई जल्दी से, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ ट्रैम्बल? यस जल्दी से सारे स्टूडेंट बताएंगे कि ट्रैम्बल का एंटोनियम क्या होगा। ट्रैम्बल जो बहुत ज्यादा हिलता हो, है ना, मतलब वैसे तो ट्रैम्बल हम जब कोई इंसान डर जाता है और कांपता है ना, उसके लिए भी हम ट्रैम्बल यूज करते हैं। ट्रैम्बल इज बेसिकली जो बहुत ज्यादा हिले, है ना, मतलब जो फ्लक्चुएटिंग हो, दैट इज ट्रैम्बल। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, स्टीडी, जो मतलब धीरे और लगातार चले, है ना, मतलब स्टीडी मतलब जो लगातार हो, कंटिन्यूस हो, ट्रैम्बल, जिसमें कुछ ना कुछ झटके हो बेसिकली। और अगर हम देखें कार्नल इज बेसिकली एन एडजेक्टिव, तो जो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट हो तो उसके लिए हम कार्नल यूज़ कर लेते हैं। मीकनेस भी यहाँ पर नहीं होगा, इमेजिनेटिव भी नहीं होगा, तो स्टीडी इसका करेक्ट एंटोनियम हो जाएगा। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। यस नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड है भैया इंसिनुएट। तो इंसिनुएट का आपको क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। इंसिनुएट आप याद कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आप सबको इंसिनुएट करती हूँ कुछ फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स मैं आपको इंसिनुएट करने वाली हूँ, या कुछ अर्थ है जो मैं आपको इंसिनुएट करने वाली हूँ। इंसिनुएट का मीनिंग होता है टू इन्फॉर्म समथिंग, टू रिवील समथिंग। जब हम किसी चीज़ को रिवील करते हैं, एक्सपोज करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, है ना, इंसिनुएट का मीनिंग होता है सजेस्ट करना, किसी को कुछ चीज़ सजेस्ट करना। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा भाई, सजेस्ट करना मतलब आप किससे कुछ ना कुछ बात तो बोल रहे हैं, ठीक है, तो इंडिसेंट तो नहीं हो सकता, कन्फाउंड भी नहीं होगा। कंसील, कंसील का मतलब क्या होता है, टू हाइड समथिंग, है ना, टू हाइड समथिंग। तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंसील हो जाएगा। इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंसील, है ना, कंसील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, कन्फाउंड का मीनिंग होता है कन्फ्यूज कर देना, किसी को कन्फ्यूज कर देना या सरप्राइज कर देना। ये तो इसका मीनिंग नहीं होगा, है ना,
इंडिसेंट भी यही हो जाता है कि शॉकिंग टू मैनी पीपल इन सोसाइटी, मतलब शॉकिंग होना, तो ये भी शॉकिंग है, ये भी सेम है, तो ये भी शॉकिंग हो जाएगा। यहाँ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, कंसील करना, मतलब हाइड कर लेना। ठीक है, यस बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं नाउ, एक्सपीडाइट। तो एक्सपीडाइट का आपको एंटोनियम बताना है कि क्या होगा। नाउ एक्सपीडाइट का एंटोनियम आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। क्यों भाई अभी से क्यों जा रहे हैं आप आफ्ताब जी, आपको मज़ा नहीं आ रहा क्लास में? तो चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि एक्सपीडाइट का एंटोनियम क्या होगा, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ एक्सपीडाइट। देखो एक्सपीडाइट का मतलब होता है जब कोई इंसान किसी काम को जल्दी से जल्दी करने दे, अलाउ समथिंग टू हैपन क्विकली, या मेक समथिंग टू हैपन क्विकली। है ना, जब आप किसी चीज़ को अलाउ करो कि वो चीज़ जल्दी जल्दी हो सके। और इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, इम्पीड, मतलब व्हेन वी प्रिवेंट समथिंग। है ना, जब हम किसी चीज़ को बचाते हैं होने से, व्हेन वी प्रिवेंट समथिंग टू हैपन। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो जाती है बात? यस। चलिए आ जाते हैं इसी बात पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसके पास है। नाउ बैरन। अब बैरन आपने सुना होगा, बंजर जमीन को बोलते हैं, जो बिल्कुल जहाँ सूखा पड़ा हो, बंजर हो बिल्कुल, है ना, जो इनफर्टाइल हो, मतलब जहाँ पर कोई भी उपजाऊ ना हो, है ना, जो रिप्रोड्यूस ना कर सके। तो इसका एंटोनियम क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखो बंजर जमीन मतलब बैरन लैंड, तो आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल सूखा पड़ा है, वहाँ पर बिल्कुल भी फर्टिलिटी नहीं है, कोई मॉइस्चर वहाँ पर नहीं है, कुछ मॉइस्ट नहीं है। और ऑन द अदर हैंड हम अगर बाकी वर्ड की बात करें तो हार्मोनियस हो जाता है, पीस, शांति होना, तो शांति का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। इवेल्युएट करना, मतलब किसी चीज़ को इवेल्युएट करना, एग्जाम्पल्स देना, या फिर उस चीज़ को इलाबरेट करना, या फिर उस चीज़ को आप कह सकते हैं सॉल्व करना, तो वो भी नहीं हो सकता, है ना। सिंगुलर, वो भी इसका कोई रोल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डैम्प, मतलब जिसमें मॉइस्चर है, कोई चीज़ जो वेट है, मॉइस्ट है, वो क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर मॉइस्चर होता है दैट लैंड इज नोन एज फर्टाइल, जो वो फर्टिलिटी होती है वहाँ पर, वो चीज़, वो ज़मीन मानी जाती है कि हाँ ये उपजाऊ है, इसमें कुछ ना कुछ उग सकता है। क्लियर हो जाती है बात? यस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेलो वजीर जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप वजीर जी? आप आज भी आने में लेट हो गए हैं क्लास में, है ना, बिल्कुल आधे घंटे बाद आप क्लास में आए हैं। क्लास 3 बजे से स्टार्ट होती है भैया, 3 बजे आ जाया करो सारे स्टूडेंट्स। अबे क्लास को सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, सभी स्टूडेंट शेयर कर देंगे क्लास को। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी बात पे। चलिए नेक्स्ट, रिसाइंड। अब रिसाइंड का आपको क्या बताना है एंटोनियम, डेलीगेट, राइवल, शिकेन, या प्रेक्लूड, बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो रिसाइंड का मीनिंग होता है बेसिकली जब हम किसी लॉ को ना माने, है ना, मतलब जब कोई किसी लॉ को ना माने दैट इज कॉल्ड रिसाइंड। और डेलीगेट जब कोई किसी को अलॉट करता है, किसी को एक तरह से पोस्टिंग देता है, तो दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन, मतलब वो उसे लॉ के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ पोस्ट प्रोवाइड करता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइवल, शिकेन, शिकेन बेसिकली आपने कुछ हर्डल्स को देखा होगा जो एक मोटर ट्रैक पे होते हैं। प्रिक्लूड इज बेसिकली, इसका वर्ड आप ऐसे बोल सकते हैं, इससे ही रिलेटेड वर्ड है एक, यस, प्रिक्लूड मतलब टू प्रिवेंट समथिंग, किसी को किसी चीज से होने से बचाना, तो टू प्रिवेंट समथिंग, तो दैट इज कॉल्ड प्रिक्लूड, है ना। हाँ जी, यस। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नाउ टिमिड, अगेन ये टिमिड वर्ड जो है ना, टिमिड का तो ये समझो कि एसएससी से काफ़ी ज़्यादा रिश्ता रहा है, कई बार टिमिड वर्ड को पूछा गया है, और बिल्कुल सिंपल है, जैसे ही आप टिमिड वर्ड को देखें तो आप समझ जाएं कि टिमिड का एंटोनियम क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। टिमिड का एंटोनियम क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। एनी डाउट?
अमर जी, बच्चे जी, नजमा जी, विकास जी, ज्योति जी, मजा आ रहा नहीं आ रहा है क्लास स्टूडेंट्स की, मजा आ रहा नहीं आ रहा। फ्यूरियस मतलब जो बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो, सिग्निफिकेंट जो इम्पोर्टेंट हो, एंड रिमार्क जो किसी को कुछ रिमार्क दिया जाए ऑन द परफॉर्मेंस बेसिस, है ना। नहीं ज्योति जी अभी कहीं नहीं जाना है, अभी तो क्लास चल रही है ना, क्लास खत्म नहीं हुई अभी, तो कहीं जाना नहीं है कहीं पर भी। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड, देख लेते हैं क्या है ना। ब्राइड बहुत ही ज्यादा सिंपल है भैया, ब्राइड किसको कहते हैं और ब्राइड ग्रूम, तो ब्राइड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ब्राइड ग्रूम। क्या होते हैं ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, जरा बताइए एक जल्दी से, हैं ब्राइड और ब्राइड ग्रूम क्या होता है। क्या बात है, विकास जी कह रहे हैं बहुत मजा आ रहा है, क्या बात है। हाँ जी तो जल्दी से मुझे बताओ ब्राइड और ब्राइड ग्रूम। थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि इस वक्त मेरी आवाज़ है ना वो बैठने लगी है, तो थोड़ा सा शायद मेरा गला इस वक्त सूख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक होगा जब तक हम बोलेंगे ज़रूर और जब तक क्लास को लेंगे ज़रूर। तो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम तो बेसिकली दूल्हा और दुल्हन के लिए यूज़ करा जाता है। विकेड का तो यहाँ पर खैर कोई लेना देना नहीं है, विकेड मतलब जो बहुत ज़्यादा क्रूअल हो। चीयर टू चीयर मतलब किसी खुशी को जाहिर करना, प्रिवेंट मतलब किसी को बचा लेना, है ना। यस क्या बात है, यस विकास, तो यहाँ पर भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब बेस, बेस मतलब जो चीज़ बेस हो, जो चीज़ बिल्कुल बॉटम हो, जो चीज़ बिल्कुल फाउंडेशन हो किसी चीज़ का, और बेस। अब बेस का क्या बताना आपको, एंटोनियम, तो जल्दी से मुझे बताइए कि बेस का एंटोनियम क्या होगा। अच्छा ज्योति सिंह जी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो सोएंगी और ऑफलाइन देखेंगी बाद में। ओके कोई बात नहीं ज्योति जी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्पेशल केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू, सी यू सून, ठीक है एंड गेट वेल सून। यस बिल्कुल ठीक वजीर जी, क्या वजीर जी बिल्कुल ठीक आंसर, समिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समिट इज बेसिकली पीक, जो पीक पर हो, है ना, जो बिल्कुल ऊंचाई पर हो, तो जो पीक ऑफ समथिंग शिखर भी बोलते हैं। नाउ विंडिकेट इज बेसिकली स्पेंडथ्रिफ्ट, तो जो बहुत ज़्यादा कंजूस टाइप का हो, एंड अपलॉड मतलब खुशी को जाहिर करना, किसी को अपलॉड करना, है ना। तो विंडिकेट का बेसिकली मीनिंग हो जाता है, थोड़ा सा माइंड से वर्ड जा रहा है, विंडिकेट बहुत सिंपल सा वर्ड है बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। कोई बात नहीं, इसको मैं अभी बता देती हूँ आपको। यस विंडिकेट का मतलब होता है जब हम किसी को कुछ किसी को जब हम उचित ठहराते हैं, मतलब किसी को जब हम प्रूव करते हैं कि ये चीज़, ये पर्सन सही है, है ना। व्हेन वी प्रूव समवन, विंडिकेट का मीनिंग डिस्ट्रॉय करने नहीं, तो विंडिकेट का मीनिंग होता है बेसिकली जब हम किसी को ठहराते हैं कि वो दोषी नहीं है। व्हेन वी प्रूव दैट समवन इज नॉट गिल्टी, है ना, व्हेन वी प्रूव दैट समवन इज नॉट गिल्टी दैट इज कॉल्ड विंडिकेट। नहीं विकास जी, डिस्ट्रॉय करना नहीं होता विंडिकेट का मतलब, विंडिकेट का मतलब होता है जब हम किसी को ठहराते हैं कि वो गिल्टी नहीं है, दैट इज कॉल्ड विंडिकेट, ठीक है। मतलब किसी को हम एक्विट करते हैं, आप ये कह सकते हैं कि परी करते हैं चार्ज से, दैट इज कॉल्ड विंडिकेट। पर्टनेस, तो पर्टनेस का आपको क्या बताना है, एंटोनियम बताना है, तो जल्दी से बताइए मेरे प्यारे पार्टिसिपेंट, पर्टनेस का एंटोनियम क्या होगा। पर्टनेस एंटोनियम, ओके क्या बात है, अमन बाहुबल जी जी को भी समझ में आ गया। यस बिल्कुल ठीक नजमा जी, मॉडेस्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मॉडेस्टी इज द करेक्ट आंसर, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली बोल्डनेस ही आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो यही होता है चेक करना किसी चीज़ को। यस तो आ जाते हैं नेक्स्ट पे,
कॉन्ट्रोडिक्ट, कॉन्ट्रोडिक्ट वी नो वेल कि कॉन्ट्रोडिक्ट मतलब होता है किसी को अपोज करना. कॉन्ट्रोडिक्ट का एंटोनियम क्या होगा, जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ कॉन्ट्रोडिक्ट. बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा ये तो. कॉन्ट्रोडिक्ट मतलब किसी को अपोज करना, कि आप किसी की बात से सहमत नहीं हैं. और इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, अप्रूव इसका एंटोनियम हो जाएगा. तो ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ठीक है, नेटिव जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का हो दैट इज कॉल्ड नेटिव. चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. नेक्स्ट वर्ड इज करेज. बहुत ही सिंपल वर्ड है क्या, करेज मतलब एक हिम्मत होती है किसी की. तो करेज का एंटोनियम आपको बताना है अनसर्टेनिटी, लीव, डिसऑर्डर, टिमिडिटी. बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ज्ञान, तो जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा. और ये आप देख रहे हैं वर्ड घुमा फिरा के कितनी बार है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है. ये सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ मैंने प्रीवियस ईयर के ही लिए हुए हैं. हालांकि मैं आपके लिए एक और सेशन लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर की विकाब नहीं लेकर आऊँगी. इनफैक्ट मैं रोज़ नए नए वर्ड वर्ड्स आपको कराऊँगी. येस तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, टिमिडिटी, है ना. येस तो यहाँ पर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, मतलब वीकनेस, जो ब्रेवनेस ना हो. नाउ प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन मतलब किसी को कुछ रोक देना. तो परमिशन, आउटरेजियस, कंट्रास्टिंग, फॉरसेक. अगेन अगर आप देखेंगे तो इसका मीनिंग भी आपको एकदम पता लग जाना चाहिए. इस तो जल्दी से मुझे बताइए कि एंटोनियम क्या होगा इसका. सभी स्टूडेंट बताएंगे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है भाई. प्रोहिबिशन का मतलब क्या हो जाता है, किसी पर रोक लगाना. प्रोहिबिट करना तो किसी पे बैन लगा देना, किसी को रोक लेना. ऑन द अदर हैंड, बिल्कुल ठीक विकास जी, वेरी गुड. ए परमिशन दे देना मतलब अलाउ कर देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, येस वेरी गुड, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. तो कुछ ज़्यादा इसमें सोचने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है. तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर किसके पास है. नेक्स्ट वर्ड इज जून. बहुत ही अच्छा वर्ड है जेजून. अब जेजून का एंटोनियम बताना है. तो चलिए जल्दी से बताइए व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ जेजून. जैसे कहते हैं कोई भी चीज़ का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसी मूवी है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई, दैट इज जेजून. मतलब कोई एक स्टोरी है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, दैट इज कॉल्ड जेजून, है ना. तो इसका एंटोनियम क्या जाना नहीं है, क्लास में ही रहना है और आंसर देना है. बताओ भी. अब देखो जेजून का मतलब होता है जो चीज़ इंटरेस्टिंग ना हो. तो इसका जो एंटोनियम हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका, इंटरेस्टिंग हो जाता है. इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग. नहीं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए दैट इज इंटरेस्टिंग, है ना. तो इंटरेस्टिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. यस, इंटरडिक्ट का मीनिंग होता है जो अभी इससे पहले आपने वर्ड पढ़ा था ना, दैट इज कॉल्ड इंटरडिक्ट. मतलब किसी पे बैन लगा देना, किसी को प्रोहिबिट कर देना. तो दैट इज कॉल्ड इंटरडिक्ट, किसी को रोक देना. तो दैट इज कॉल्ड इंटरडिक्ट. ठीक है, कहते ना किसी चीज़ में टांग लाना, तो दैट इज कॉल्ड इंटरडिक्ट. मतलब आपने किसी चीज़ को रोक दिया, किसी चीज़ पर बैन लगा दिया. नाउ वेंचरसम. वेंचर सम का आपको क्या बताना है, एंटोनियम बताना है. तो जल्दी से बताइए कि वेंचर सम का एंटोनियम क्या होगा. अगेन ये सारे वर्ड्स वही हैं जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हुए हैं. तो जल्दी से मुझे बताइए कि वेंचर सम का एंटोनियम क्या होना चाहिए. और ये जो वर्ड आपने कई बार रिपीट किया है ना, मैं आपको एक ऑप्शन, एक हिंट दे देती हूँ. अभी कई बार आपने इस वर्ड को कई बार अलग अलग रूप में पढ़ा है. तो जल्दी से मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा. वेंचरसम मतलब जब आप कुछ करने का रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं. व्हेन यू आर गोइंग टू टेक अ रिस्क, व्हेन यू आर इनफ करेजियस, व्हेन यू आर ब्रेव इनफ, है ना. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टिमिड. करेजियस हो जाता है वेंचरसम और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज टिमिड. तो टिमिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा.
ठीक है. कन्फाउंड इज बेसिकली कन्फ्यूज वेन यू आर, है ना, सरप्राइज वेन यू आर. और टॉलरेंट मतलब जब जो सहनीय हो, है ना, जो सहने वाला व्यक्ति हो, सहनशील हो. यस, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड आ जाता है लेट, बहुत ही देखिए सिंपल सा वर्ड है. तो लेडी का आपको क्या बताना है, एंटोनियम. तो जल्दी से बताइए कि लेडी का एंटोनियम क्या, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ लेडी. संदीप जी क्या हुआ, बारिश हो रही है, कहाँ पर बारिश हो रही है भाई. यस, लेडी का एंटोनियम आपको बताना है जल्दी से कि क्या होगा. थोड़ी देर इस क्लास को और रखेंगे, फिर उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे. हाँ जी बिल्कुल ठीक, वेरी गुड वजीर जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका. लेडी का जो एंटोनियम हो जाता है दैट इज कॉल्ड लास, तो लास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नाउ परटर्ब्ड, परटर्ब्ड आप ऐसे याद करिए. तो देखिए परटर्ब्ड से याद आता है डिस्टर्ब्ड. तो आप जल्दी से बताइए कि परटर्ब करना मतलब डिस्टर्ब करना किसी को, और परटर्ब्ड मतलब जो परटर्ब्ड, जो डिस्टर्ब्ड हो, तो इसका एंटोनियम क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स. परटर्ब्ड मतलब जो व्यक्ति डिस्टर्ब्ड हो, जिसके मन में कोई शांति ना हो. तो चलिए जल्दी से बताइए भाई, नजमा जी, संदीप जी, वजीर जी, विकास जी, अमन जी, संदीप जी, सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. बिल्कुल ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काम, है ना, जो पीसफुल शांति हो. यहाँ पे सब शांति शांति है ना, ये शहर है अमन का. तो अमन जी आपका शहर है, तो बिल्कुल ठीक, परटर्ब्ड तो हो ही नहीं सकता. तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काम रहना, शांत रहना. चलिए आ जाते हैं इसी बात पे, नेक्स्ट वर्ड पे. नेक्स्ट वर्ड है सेलुब्रियस, सेलुब्रियस. और अभी थोड़े दिन पहले अगर आपको याद हो तो रात के जो 12 बजे वाली क्लास थी उसमें मैंने ये सेम वर्ड आपको कराया भी है. तो जल्दी से बताइए कि सेलुब्रियस का एंटोनियम क्या होगा. सभी स्टूडेंट बताएंगे जल्दी से कि व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ सेलुब्रियस. तो सेलुब्रियस की जो व्यक्ति मतलब मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग सेलुब्रियस रहें, अपनी तबीयत का ध्यान रखें, अपने खान पीने का ध्यान रखें, और आप सब सेलुब्रियस रहें. सेलुब्रियस मतलब हेल्दी, है ना. सेलुब्रियस का मीनिंग क्या होता है, सेलुब्रियस का मीनिंग होता है हेल्दी. इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, दैट इज अनहेल्दी. तो अनहेल्दी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर हो जाती है बात. नहीं नजमा जी, अब देखिए मैं आप आशा कर रही हूँ, मैं प्रे कर रही हूँ कि आप लोग हमेशा सेलिब्रियस रहें. तो ओबियसली मैं यही तो प्रे करूँगी कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, है ना, तो हेल्दी रहें. और उसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, अनहेल्दी होना. क्लियर हो जाती है बात. यस, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है. नाउ लैक्स, अब आपको बताना है कि लैक्स का एंटोनियम क्या होगा. तो सारे स्टूडेंट बताएंगे जल्दी से कि व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ लैक्स. हाँ जी, नजमा जी, संदीप जी, वजीर जी, अमन जी, विकास जी, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. बिल्कुल जी, लेक्स का जो एंटोनियम है वो हो जाता है फॉर्म. तो जो बिल्कुल एक पॉइंट पर हो, दैट इज कॉल्ड, जो एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी को जो शो करे. नाउ रेस्ट्रेन का आपको बताना है एंटोनियम. तो जल्दी से बताइए कि रेस्ट्रेन का एंटोनियम क्या होगा. जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे कि रेस्ट्रेन का एंटोनियम क्या होगा. रेस्ट्रेन मतलब टू स्टॉप समथिंग, और इनसाइट इसका एंटोनियम क्या हो जाता है, इनसाइट मतलब किसी को उकसाना. तो इनसाइट इज द करेक्ट आंसर. इफेक्ट जो असर है, लोकेशियस बेसिकली जो व्यक्ति बोलता बहुत है उसके लिए लोकेशियस यूज कर लेते हैं. ग्रांट जो चीज़ बहुत बड़ा हो, ह्यूज हो, दैट इज कॉल्ड ग्रांट. नेक्स्ट इनएविटेबल, अब इनएविटेबल होता है जिसको अवॉइड ना किया जा सके, है ना, जिसको अवॉइड ना किया जा सके. तो इसका एंटोनियम आप सभी को बताना है कि क्या होगा. बताओ भाई, विकास जी, वजीर जी, अमन जी, नजमा जी, संदीप जी, सभी स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे कि इसका एंटोनियम क्या होना चाहिए. यस, अनलाइकली, जैसे कहते हैं ना लाइकली टू हैपन. अनलाइकली टू हैपन मतलब ऐसा नहीं होने वाला. तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, यस. चलिए लास्ट, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं सेलिब्रेटेड. अब सेलिब्रेटेड का एंटोनियम आपको बताना है कि क्या होगा. नाउ सेलिब्रेटेड का एंटोनियम जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट्स की क्या होना चाहिए.
यस बिल्कुल ठीक ओके अमन जी, संदीप जी, नजमा जी, विकास जी, वजीर जी, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यस ओके यस नहीं नहीं सेलिब्रेटेड का आंसर हो जाएगा ऑब्सक्योर। सेलिब्रेट का एंटोनियम क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर होना, है ना। नाउ डिफ्रे, बहुत ही अच्छा वर्ड है। डिफ्रे का एंटोनियम आपको बताना है कि क्या होगा। नाउ डिफ्रे का एंटोनियम क्या होगा जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ डिफ्रे? यस डिफ्रे का एंटोनियम, अमन जी, नजमा जी, संदीप जी, वजीर जी, विकास जी, सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइए व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ डिफ्रे। तो डिफ्रे का एंटोनियम हो जाता है आपका डिस्क्लेम। चलिए नेक्स्ट वर्ड कंपैशन। कंपैशन का जल्दी से बताइए एंटोनियम क्या होगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल है ज्ञान, तो जल्दी से बताएंगे कि कंपैशन का एंटोनियम क्या होगा। यस कंपैशन का जो एंटोनियम है वो हो जाएगा आपका क्रुएलिटी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेनरस देखें तो इसका सिनोनियम हो जाएगा। यस क्रुएलिटी, इट्स नॉट क्रुएलिटी, इट्स क्रुएल्टी। नाउ सरकास्टिक, बहुत बार हम सरकास्टिक वर्ड का प्रयोग करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी सरकास्टिक है। तो जल्दी से बताइए कि सरकास्टिक का एंटोनियम क्या होगा। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ सरकास्टिक? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अमन जी, नजमा जी, वजीर जी, संदीप जी, विकास जी, वजीर जी, चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक भाई, कर्टियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि सरकास्टिक का एंटोनियम क्या हो जाएगा? कर्टियस। नेक्स्ट जुडिशियस। जुडिशियस रिलेटेड टू जुडिशरी, मतलब जस्टिफाई करना किसी चीज़ को, और इसका आपको क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। तो जल्दी से बताओ भाई जुडिशियस का एंटोनियम क्या होगा। सभी स्टूडेंट बताएंगे कि जुडिशियस का एंटोनियम क्या होगा। यस जुडिशियस का एंटोनियम हो जाएगा इरेशनल। तो बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ स्पूरियस। स्पूरियस का एंटोनियम बताइए, जल्दी से बताइए कि स्पूरियस का एंटोनियम क्या होगा। विकास जी, संदीप जी, वजीर जी, नजमा जी, अमन जी, जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए कि स्पूरियस का एंटोनियम क्या होगा। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ स्पूरियस? यस देखिए स्पूरियस का एंटोनियम हो जाता है जो चीज़ जेन्युइन हो। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं एंट्रेंस। एंट्रेंस मतलब जहाँ से आप एंट्री लेते हैं, ऑब्वियसली उसका एंटोनियम बताना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल तो शायद कोई होगा भी नहीं इनमें से। तो एंट्रेंस का एंटोनियम जल्दी से बताइए कि क्या होना चाहिए। व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ एंट्रेंस ओवर हियर? एंट्रेंस मतलब जहाँ से एंट्री ली जाए और एग्जिट जहाँ से बाहर निकला जाए। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? यस वेरी गुड। चलिए नाउ ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का बताना है आपको। देखो यहाँ पर वर्ड तो आपको एज इट इज मिल गया। ऑप्टिमिस्ट का एंटोनियम क्या हो जाएगा? पैसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पैसिमिस्ट निराशावादी, है ना। डेक्स्ट्रस जो हैंड से वर्क करे, मतलब हैंड से जो स्किलफुल हो बेसिकली, है ना। मर्सीलेस जिसमें दया ना हो, बिल्कुल भी दया का भाव ना हो। चीयर मतलब हैप्पी। तो ये सारे वर्ड्स हमारे हैं जिनको आज हमने पढ़ा। और एक वर्ड और है, दैट इज एम्पलीफाई। चलिए तो लास्ट वर्ड ऑफ टुडे सेशन। एम्पलीफाई मतलब किसी चीज़ को लार्ज करना, है ना। तो एम्पलीफाई का आपको क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है अज्ञान। तो एम्पलीफाई का एंटोनियम बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, फिर क्लास को हम यहाँ पर ऑफ करेंगे। बताओ अभी जल्दी से एम्पलीफाई का एंटोनियम क्या होगा। एम्पलीफाई मतलब किस चीज़ को लार्ज करना, एनहांस करना। तो इसका जो ऑपोजिट हो जाता है दैट इज लेसन। यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो जाती है बात? यस। चलिए क्वेश्चंस को हम
स्टॉप करते हैं, जब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ऑफलाइन कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं। थैंक्स अ लॉट, और कल वाली क्लास में हम फिर से वोकैबुलरी का एक नया सेशन डिस्कस करेंगे। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।